जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अब धीरे धीरे शांति के माहौल के साथ क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, हाल ही में जम्मू के रामबन क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में मैदान बनाकर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े ही उत्साह के साथ अनेक टीमों के खिलाड़ियों ने जहां हिस्सा लिया, वहीं आसपास के अनेक गांव के ग्रामीण जन इसमें शामिल हुए। इस आयोजन को लेकर डब्ल्यू मार्च की प्रेसिडेंट दीपाली सिन्हा ने हमें विस्तार से जानकारी दी और यहाँ के लोगों के बीच जो क्रिकेट का जुनून देखने को मिला, आइए आपको दिखाते हैं। इनके लिए बहुत जोर से तालियां, इन्हीं की वजह से सारा प्रोग्राम हुआ है। और ये है भाई साहब विनिंग टीम का 30,000 का प्राइज मनी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये मैच क्यों इम्पोर्टेंट है, ये टूर्नामेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो हम देखते हैं कि जो आम लोग की रीच नहीं है, नॉर्मल विलेज से नहीं इतना कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी और कुछ सालों पहले ये आतंकवादियों और इतने एक डिफरेंट माहौल से निकलने के बाद जो लोगों में, बच्चों में यहाँ पे हमने जो जोश देखा, जो उनका इच्छा शक्ति देखी है कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने उनका जुनून देखा क्रिकेट खेलने के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, उन्होंने शुरुआत की है, ऐसे शुरुआत की है कि ये जो एरिया आप देख सकते हैं ये कोई मैच का एरिया नहीं है, ये जो यहाँ पे टनल में काम हो रहा है उसका गार्बेज डंप जो है वो यहाँ था, वो डंपिंग एरिया है यहाँ पे। इन्होंने पहले मेहनत करके इसको पूरा साफ किया और पहले तो ग्राउंड तैयार किया है, और जब ये काम इन्होंने किया उसमें इन्होंने जो हमारी भारतीय सेना का ने इनको सपोर्ट किया है, हमारी इंडियन आर्मी ने इनका साथ दिया है ये सब करने के लिए। इसके बाद इन्होंने, इनके पास सीमित संसाधन थे, इवन क्रिकेट की अभी बॉल भी नहीं है प्रॉपर जिससे वो खेल सके, फिर भी वो रेड कॉस्को बॉल से इन्होंने पूरे मैच को खेला रबड़ बॉल। और आप ये सोचिए कि सिर्फ 24 टीम ने पार्टिसिपेट किया है और 126 गाँवों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, वो कितने ही प्लेयर हैं, तो ये दिखाता है कि इन सब के माहौल के बाद ये लोग कितने नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं। और जरूरत है हम सबकी कि इन्हें हम कैसे देश के बाकी लोगों से कनेक्ट कर सके और इन्हें कैसे बाहर लेके आ सके, और इसमें भारतीय सेना ने बहुत जबरदस्त योगदान दिया है और उन्हीं की वजह से आज हम सब यहाँ हैं और ये इतना बड़ा शानदार टूर्नामेंट हो रहा है।